बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जो मैं वीडियो सेशन लाई हूँ ये है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये टॉपिक जो है वो है विलोम और पर्यायवाची शब्द के ऊपर। तो 15 विलोम 15 पर्यायवाची शब्द पर आधारित क्वेश्चन होंगे, और इससे पहले वर्णमाला और प्रमुख पंक्तियाँ और कुछ किसी तरह सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस लाए हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए, वो भी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि पहला कौन सा दिया हुआ विलोम शब्द। तो यह बताना है समीश शब्द का विलोम है, आपको समीश का विलोम बताना है इन चारों में से कौन सा है। तो समीश का जो विलोम होगा वो होगा निरामिश। कौन सा होगा? निरामिश। ये सब क्वेश्चन मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाला था प्रैक्टिस सेट में, क्वेश्चन कर करके उसमें हिंदी के क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं इसमें विलोम, ये सब सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। उसे आप लोग अगर पढ़ा होगा तो आप लोग को ज़रूर इस सेशन में प्रश्न आप लोग से बनेंगे, सॉल्व होंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और मैंने सारे सिंपल दिए हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, तो आई होप आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इसमें बताना है कि कौन सा जो दिया हुआ है विकल्प उस सही है। तो देखिए यहाँ क्या है, जो हमारा चौथा प्रश्न है गरल सुधा, तो गरल का जो विलोम होता है वो सुधा होता है, तो बस ये डी नंबर सही है। तो इसके हिसाब से दूसरा का डी आंसर सही है। आप लोग भी बनाइए इसे और हमें कमेंट में बताइए कितना सही हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। उन्नति का विलोम शब्द है, तो उन्नति का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अवनति। क्या होता है? अवनति। तो इसका आंसर नंबर 3 का ये बी सही होगा, उन्नति का अवनति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। भद्र शब्द का विलोम, आपको यहाँ पे भद्र का विलोम बताना है इन चारों में से, तो जल्दी बताइए क्या होगा। तो भद्र का जो विलोम होगा वो बी होगा, क्यों क्या होगा? बी, 4 का बी आंसर सही होगा। पाँचवा देख लेते हैं, सुलभ का विलोम शब्द है, तो सुलभ का आपको विलोम बताना है कि सुलभ का विलोम क्या होता है। तो सुलभ का जो विलोम होता है वो होता है दुर्लभ, तो ये आंसर नंबर सी, यहाँ बी लिखा है, ये सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न, ऋणात्मक का विलोम शब्द है, तो ऋणात्मक का विलोम क्या होता है? ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है, तो इसके हिसाब से ये ए नंबर सही होगा, 6 का। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सात जो है समर्थन का विलोम शब्द है, आपको यहाँ समर्थन का विलोम बताना है कि समर्थन का विलोम क्या होता है। तो समर्थन का जो विलोम होता है वो होता है विरोध, समर्थन का जो विलोम होगा विरोध होगा, तो इस हिसाब से आंसर नंबर सी हमारा ये विरोध सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न, सार्थक का विलोम शब्द है, आपको यहाँ सार्थक का विलोम बताना है कि सार्थक का विलोम क्या होता है। तो सार्थक का जो विलोम होता है वो होता है निरर्थक, तो आंसर नंबर सी ये सही होगा। आठवां प्रश्न नवा प्रश्न देख लेते हैं, सन्यासी का विलोम शब्द है, आपको सन्यासी का यहाँ विलोम बताना है कि सन्यासी का विलोम क्या होता है। तो सन्यासी का विलोम होगा गृहस्थ, क्या होगा? गृहस्थ, तो ये 9 का सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दसवां प्रश्न, नित्य का विलोम शब्द है, आपको यहाँ नित्य का विलोम बताना है कि नित्य का विलोम क्या होता है। तो नित्य का विलोम होगा अनित्य, क्या होगा? अनित्य, तो डी नंबर 10 का सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ग्यारहवां प्रश्न देख लेते हैं, महान का विलोम शब्द है, महान का आपको विलोम बताना है कि महान का विलोम क्या होता है। तो महान का विलोम होगा शूद्र, क्या होगा? शूद्र, तो ये बी सही होगा ये चार ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, बारहवां प्रश्न, मिलन का विलोम शब्द है, तो मिलन का जो विलोम होता है वो होता है विरह, क्या होता है? विरह, तो ये सी नंबर सही होगा 12 का। 13वां प्रश्न देख लेते हैं, आकर्षण का विलोम शब्द है, यहाँ आपको आकर्षण का विलोम बताना है कि आकर्षण का विलोम क्या होता है। तो आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, क्या होता है? विकर्षण, तो ये बी सही होगा। 14वां प्रश्न है, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है, आपको यहाँ अल्पसंख्यक का विलोम बताना है कि अल्पसंख्यक का विलोम क्या होता है। तो अल्पसंख्यक का विलोम होता है बहुसंख्यक, क्या होता है? बहुसंख्यक, तो ये 14 का बी सही होगा। 15वां प्रश्न है, नवीन शब्द का विलोम है, तो नवीन का विलोम होगा प्राचीन, तो ये आंसर नंबर 15 का बी सही होगा। तो यहाँ तक मैंने विलोम शब्द पे 15 क्वेश्चन बताए। ये जो विलोम शब्द था ये ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत सिंपल है, और ये सब मैंने अभी पहले जो क्वेश्चन डाला था टेलीग्राम ग्रुप में तो उसमें ये सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। अगर आपको वो पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर बनेगा। पर्यायवाची भी मैंने बहुत सिंपल डाला, ये भी आपको हो ही जाएगा, तो इसे भी आप लोग बनाइए और बताइए मैं कितना सही हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आपको यहाँ आकाश का पर्यायवाची बताना है कि आकाश का पर्यायवाची कौन सा है।
तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो व्योम होगा। क्या होगा? व्योम। तो ये सी सही होगा, या एक का। दूसरा है फूल का पर्यायवाची शब्द है, शब्द नहीं है, तो आपको बताने का फूल का पर्यायवाची क्या नहीं है इन चारों में से। तो जो ये होगा दूसरा वो होगा बी, नहीं नहीं तनुजा, हाँ डी। आकाश का जो विलोम होगा तनुजा नहीं होता, तनुजा का अर्थ होता है पुत्री, पुत्री के लिए तनुजा का पर्यायवाची प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर नंबर डी दो का सही होगा। इसके अलावा ये तीनों जो पुष्प कुसुम सुमन, ये तीनों पुष्प के फूल के पर्यायवाची है। तीसरा प्रश्न है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, आपको यहाँ पे भिन्न अर्थ बताना है कि भिन्न अर्थ कौन सा है इन चारों में। तो सूर्य का पर्यायवाची भास्कर, दिवाकर, रवि, ये तीनों होता है, और ये सुधाकर ये चांद का पर्यायवाची होता है। तो ये डी सही होगा तीन का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है, मैंने ये जो पेपर सॉल्व किया था तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। आगे बढ़ते चौथा प्रश्न देख लेते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला है, को यहाँ भिन्न अर्थ वाला बताने के भिन्न अर्थ किसका है। तो ये जो उषा, प्रभात और सवेरा, ये तीनों सुबह का पर्यायवाची हुआ, और जो दिन है ये तो दिन हुआ। तो ये बी सही होगा चार का। पांचवा प्रश्न है सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है, मतलब यहाँ सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दिनकर, सूरज और दिवाकर, ये तीनों सूर्य का पर्यायवाची है, और जो महेंद्र है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये पर्यायवाची है इंद्र का। ठीक है, आगे बढ़ते छठवां प्रश्न। कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपको इन चारों में से बताने कि कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची सलिल नहीं है, सलिल का जो अर्थ होता है वो होता है पानी से लिया जाता है, सलिल का अर्थ। सातवां प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची शब्द बताने की कौन सा नहीं है। तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो अमरपति नहीं होगा, अमरपति होता है इंद्र का पर्यायवाची। आगे बढ़ते आठवां प्रश्न। देवी शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, आपको यहाँ पे भिन्न अर्थ वाला बताने कि भिन्न अर्थ किसका है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भार्या, ये भार्या होता पत्नी का पर्यायवाची। इसके अलावा आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नवा प्रश्न। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, कोई यहाँ भिन्न अर्थ बताने की सबसे भिन्न अर्थ किसका है। तो ये नौ का ए होगा, ए। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। इसके अलावा मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र, ये तीनों सिंह का पर्यायवाची होता है। तो नौ का ए सही होगा। दूसरा प्रश्न है पतझड़ का पर्यायवाची शब्द है, कोई यहाँ पतझड़ का पर्यायवाची बताने की कौन सा पतझड़ का सॉरी पहाड़ का पर्यायवाची। हाँ, तो पहाड़ का जो पर्यायवाची है वो होगा इन चारों में से भूधर। तो आंसर नंबर सी ए सही होगा। तो 10 का आप लोग देख लीजिए सी है, और आगे बढ़ते हैं। इसी आगे 11वां प्रश्न देख लेते हैं। बिजली का पर्यायवाची है, आपको यहाँ बिजली का पर्यायवाची बताने की कौन सा है। तो बिजली का पर्यायवाची होता है चंचला, क्या होता है चंचला। तो ये बी सही होगा। तो और भी बिजली के पर्यायवाची होते हैं चपला, विद्युत, तड़ित, चंचला, ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा बी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ किरण का पर्यायवाची बताना है कि कौन सा नहीं है। तो अंशु, रश्मि, मयूख, ये तीनों किरण के पर्यायवाची है। इसके अलावा प्रकाश, ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर नंबर बी ये सही होगा 12 का। आगे बढ़ते 13वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, आपको यहाँ पे बादल का पर्यायवाची बताना कि नहीं है। तो जो 13 का होगा वो सी, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। मनसिज, मनसिज, ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर नंबर सी सही होगा 13 का। 14वां देख लेते हैं प्रश्न। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको यहाँ पे असुर का बताने की कौन असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो असुर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दानव, दैत्य, दानुजी, ये तीनों असुर का पर्यायवाची है, और जो यक्ष, ये असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो ये सी सही होगा 14 का। 15वां प्रश्न है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें बताना है कि आम का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत फल, आम और रसाली, ये तीनों आम के पर्यायवाची है। इसके अलावा पिक जो है ये कोयल का पर्यायवाची है। तो इस हिसाब से आंसर डी सही होगा। तो मेरा वीडियो सेशन आज हमारा यही ख़त्म हुआ पर्यायवाची और विलोम शब्द का। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। आप लोग कमेंट में बताइए कितना सही हो रहा है, और जो भी प्रॉब्लम है सब मैं सॉल्व करूँगी। और इस और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पढ़िए मन लगा के, एग्जाम आने वाले आप लोग को। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।